हेलो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने संगीभक का कुछ शब्द देखा था जो एक साथ उपयोग होते हैं। आज हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और उससे आगे का जो बचा हुआ शब्द था उसको देखेंगे और इसके बाद आने वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन लकड़ा और मैं आप लोगों के लिए खुद का इसी तरह का नया नया वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक देखने के बाद अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इस चैनल से जोड़िए ताकि उनको भी मदद मिल सके। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं उसमें जो भी नया वीडियो आता हूं उसको अपडेट कर देता हूं और उसमें मैं जो भी नया वीडियो आता है उसको मैं अपडेट कर देता हूं और इसमें जो भी पढ़ाता हूं, जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसका वीडियो भी वहां पे डाल देता हूं, तो उससे आप लोगों को हेल्प मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ शब्द तो हमने पहले ही कर दिया था, है ना, तो ये हम उसी का कंटिन्यूएशन में दूसरा वीडियो है। तो यहाँ पे हमारे पास इस वीडियो में पहला शब्द है चोना ओकना, है ना, तो उठना बैठना। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि कोई भी दो शब्द एक साथ आता है भाषा में यूज होता है उसको हम लोग संगीभक बोलते हैं ना। तो हो सकता है किसी किसी वर्ड का एक वर्ड का मीनिंग निकले, दूसरे वर्ड का मीनिंग ना निकले, या फिर दोनों वर्ड का मीनिंग निकले, है ना, तो उसको हम लोग एक साथ यूज करते हैं। जैसे उठना बैठना, यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं आना जाना, है ना, तो वो एक साथ आता है ना, तो उसको हम लोग जो प्रॉपर ग्रामेटिकली जो होना चाहिए वो इसमें देखेंगे और एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा। तो पहला है चोना ओकना, मतलब उठना बैठना। चीना खटना, है ना, चीना का मतलब देना होता है, खटना का मतलब बांटना होता है। फिर जोखरा पिल्लर, ठीक है, जोखर मतलब जो लड़के लोग होते हैं, है ना, जवान लड़के लोग होते हैं उसको जोखर बोलते हैं, और पिल्लर मतलब लड़कियां। फिर जन्म करम, ठीक है, जन्म मतलब जन्म और कर्म मतलब जो काम कर रहे हैं कर्म। फिर झरा बोड़े, ठीक है, झरा का मतलब हड़िया होता है और बोड़े का मतलब भी हड़िया ही होता है। फिर झाड़ झोंक, ठीक है। फिर टटखा जम्बू, टटखा का मतलब आम, जम्बू का मतलब जामुन। फिर टूड़ना बचना, टूड़ना का मतलब लिखना, बचना का मतलब पढ़ना। उसके बाद ढुक्कू धरा, ठीक है, ढुक्कू किस चीज को बोलते हैं, जो हमारे उरांव समाज में बिना शादी किए हुए लड़की लड़के के पास चले जाती है अपने पसंद से, उसको उसको जो शब्द दिया गया वो ढुक्कू होता है ना, ढुक्कू ढरा उसके साथ में बोला जाता है। फिर ढेलका पखना, ढेलका मतलब ढेला और पखना मतलब पत्थर। फिर तमकू चुन्ना, तमकू मतलब तंबाकू, चुन्ना मतलब तंबाकू के साथ जो व्हाइट व्हाइट चुन्ना का यूज होता है उसको चुन्ना बोलते हैं। फिर ताका धोखा, ताका मतलब हवा, धोखा इसके साथ यूज हो रहा है। फिर ताली कुंजी, ताली का मतलब ताला, कुंजी का मतलब चाबी। उसके बाद दई भटू, दई का मतलब दीदी और भटू का मतलब जीजाजी। फिर धूली चलकूर, धूली का मतलब धूर, चलकूर का मतलब बालू। फिर धारे बोथरा, धारे का मतलब जो एकदम धार रहता है, है ना, चोहिला रहता है, जैसे चाकू धार रहता है तो उसको धारे बोलते हैं, और बोथरा मतलब जो बोथड़ रहता है ना। फिर नोड़ना मूझना, ठीक है, ये नोड़ना का मतलब धोना, मूझना इसके साथ यूज होता है। फिर नती नतगुर, नती मतलब नाती मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, नतगुर उसके साथ यूज होता है। नजर गुजर, ठीक है, जो नजर लग जाता है उसको नजर बोलते हैं और गुजर उसके साथ यूज होता है। नड़ी चेप, नड़ी का मतलब बीमार, चेप का मतलब बरसात, नड़ी चेप एक साथ यूज होता है। फिर नासगो दादा, नासगो का मतलब भाभी, दादा का मतलब भैया। फिर पारना बेचना, पारना का मतलब गाना गाना, फिर बेचना का मतलब नाचना। पद्दा खप्पा, पद्दा गांव को बोलते हैं, खप्पा इसके साथ यूज होता है। परती झरती, ठीक है। फिर पक्सा बुसु, पक्सा का मतलब पतूर और बुसु का मतलब पूरा। पैरी पुतबरी, पैरी का मतलब सुबह, पुतबरी का मतलब शाम। बेक मिर्चा, बेक का मतलब नमक और मिर्चा का मतलब मिर्चा, आप लोग तो जान ही रहे हैं। बिसना खेजना, बिसना का मतलब बेचना, खेजना इसके साथ यूज होता है। फिर बिजना पुतना, बिजना मतलब एकदम सुबह का जो पहला किरण आता है, किरण नहीं, जो एकदम सुबह होता है, रात के बाद जो लाइट आने लगता है उसको बिजना बोलते हैं। फिर पुतना मतलब जो शाम हो रहा है उसको। फिर बाल्टी पघा, बाल्टी मतलब बाल्टी और पघा मतलब रस्सी। पीतना खेतना, बीतना मतलब पकाना, खेतना इसके साथ यूज होता है। बला पैड़ा, बला मतलब चूड़ी वाला जो बला होता है उसको बला बोलते हैं, पैड़ा मतलब पायल। फिर है चीहना अलखना, चीहना मतलब रोना, अलखना का मतलब हंसना, और अलखना लिखा है यहाँ पे, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अलखना होना चाहिए। फिर छिपा डुभा, छिपा मतलब थाली और डुभा मतलब कटोरा। जतरा सिंदरा, जतरा का मतलब जो मेला लगता है गांव में छोटा छोटा उसको जतरा बोलते हैं, और सिंदरा मतलब
जो शिकार जाते हैं उसको सिंदरा। झुड़ झाड़, झुड़ मतलब कहीं पे एकदम झुड़ झाड़ होता है ना, पौधा वौधा का उसको झुड़ बोलते हैं, झाड़ उसके साथ यूज होता है। फिर झूला पेंटे, झूला मतलब शर्ट और पेंटे मतलब पैंट। फिर टेढ़ो टेढ़ो मेढ़ो, टेढ़ो मतलब कोई भी चीज टेढ़ा रहता है उसको टेढ़ो बोलते हैं, मेढ़ो उसके साथ यूज हो रहा है। फिर टोड़ंग परता, टोड़ंग मतलब जंगल, परता का मतलब पहाड़। फिर डहरे बाट, डहरे का मतलब रास्ता, ठीक है। फिर ढोला नगड़ा, ढोला मतलब जो ढोलकी होता है, नगड़ा मतलब तो जान ही रहे हैं आप लोग, नगड़ा जो बजाते हैं नगाड़ा उसको नगड़ा बोलते हैं। फिर ढोला ढंका एक साथ यूज होता है। उसके बाद तीना डिब्बा, तीना मतलब मीठा और डिब्बा मतलब इसके साथ यूज आ रहा है, मतलब नई स्वाद लगता है डिब्बा का मतलब। फिर ताची मामू, ताची मामू फूफू को ताची बोलते हैं और मामू को, मामू को तो जो फूफू का हस्बैंड रहता है उसको मामू मामू बोलते हैं ना। फिर तीनी भावरे, भावरो तीनी का मतलब जो मधुमक्खी होता है उसको तीनी, और भावरों का मतलब जो ब्लैक ब्लैक मधुमक्खी जैसा दिखता है उसको भावरों, जिसको भावरा भी बोलते हैं हिंदी में। फिर दाली मंडी, दाली का मतलब दाल, मंडी का मतलब भात, यहाँ पे भंडी लिखा है, स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, मंडी होगा। फिर धूप धुवन, धूप जो धुवन के साथ जो धूप होता है ना उसको धुवन धूप बोलते हैं। फिर नाले टोंका, ठीक है, टोंका मतलब जो खेत होता है ऊपर वाला, दो इन वाला नहीं ऊपर वाला जो डाढ़ होता है उसको टोंका बोलते हैं, है ना। और नाल मतलब जो दोइन होता है। फिर नलना तोकना, ये तो नाचना हो गया, ठीक है। फिर नाना नानी, ये तो आप लोग जान रहे हैं नाना और नानी को। फिर नोल, नोल कोहड़ो, नोल ये शायद कोहड़ा को बोला जाता है या फिर कद्दू को बोला जाता है, और कोहड़ो तो शायद कोहड़ा को बोल रहे हैं। फिर नेला निलबेंजा, कल परसों, ठीक है, मतलब आने वाला कल परसों। फिर देवता पितर, देवता तो जो भगवान वाला देवता होता है वो वाला, ठीक है। फिर पच्चा पुना, पच्चा मतलब पुराना और पुना मतलब नया। फिर पिसना चाजना, पिसना मतलब कोई भी चीज को उठाते हैं बीचते हैं उसको बोलते हैं पिसना, और चाजना मतलब छाटना। फिर पाला पल्ली, बारी बारी से जो करते हैं उसको पाला पल्ली बोलते हैं। फिर पच्चो पचगी, बुढ़ा बुढ़ी को बोलते हैं। फिर पंडरू मुखारो, पंडरू मतलब सफेद और मुखारो मतलब काला। फिर बिरना ओरना, बिरना मतलब धूप, ओरना मतलब छाया। उसके बाद वई मुही, वई मतलब मुंह और मुही मतलब नाक। फिर बिदना मोखना, बिदना मतलब ढूंढना, मोखना मतलब खाना। फिर बिंजा चुंजा, बिंजा मतलब शादी और चुंजा उसके साथ यूज होता है। फिर बिजना चाखना, बिजना मतलब घिराना, मतलब क्या बोलते गिरा देना, है ना। और चाखना मतलब जो बोते हैं ये बीज सबको ऐसे करके छींटते हैं उसको चाखना बोलते हैं। फिर बिंजा काजी, बिंजा मतलब शादी और काजी उसके साथ यूज हो रहा है। फिर है मंडी दाली, मंडी मतलब भात, दाली मतलब दाल। फिर मौसा मौसी, जो माँ की बहन होते हैं उसको मौसी और उसका हस्बैंड को मौसा बोला जाता है, तो वही है मौसा मौसी। फिर मुनू सिट, मुनू मतलब नया और सिट मतलब पुराना, है ना। जैसे ज्यादातर गाँव में इसको हड़िया के लिए यूज किया जाता है, मनुझारा और सिट्ठा, मतलब जो शुरू में निकालते हैं उसको मुनु बोलते हैं और जो लास्ट में एकदम खत्म होने वाला रहता है उसको सिट्ठा। पर इसका ओरिजिनल मीनिंग मुनु मतलब नया शुरुआत का और सिट्ठा मतलब खत्म होने वाला, है ना। उसके बाद है मंडी अमखी, मंडी मतलब भात और अमखी मतलब सब्जी। फिर राना मलका मतलब है नहीं है उसको एक साथ बोला जाता है राना मलका। फिर लूर अकिल, लूर मतलब बुद्धि दिमाग, है ना, आई क्यू। फिर लट्टे डुंगू, ये पहले बनाते थे लट्टे डुंगू, अब तो नहीं बनता है, ठीक है, खाने का चीज होता है, पहले बनाते थे लोग। फिर लावना पसना, लावना मतलब मारना, पसना मतलब भी मारना ही होता है। लल्ले बच्चो, छोटा बच्चा सबको लल्ले बच्चो ऐसे करके बोलते हैं। फिर संधि पुनाई, इसको एक साथ बोलते हैं संधि। सज्जन साड़ा साड़ी मतलब साला और साली को साड़ा साड़ी बोलते हैं। फिर हेचका मुचका, हेचका मतलब बांधना, मुचका मतलब बंद करना। फिर हेसा खेलाए, मतलब हेसा खेलाए एक साथ बोला जाता है, मतलब जैसे कि किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लिया जाता उसको हेसा खेलाए बोला जाता है, ठीक है, कि नींद का दिन हेसा खेलाए ना नलदाए ऐसे करके, कोई भी काम करने बोला तो ठीक से नहीं कर रहे तो हेसा खेलाए ना नलदाए ऐसे करके बोलेंगे। फिर मन्ने मास, मन्ने मतलब पेड़, मास इसके साथ यूज होता है। मुक्का मेत हस्बैंड वाइफ। फिर मेरखा के खेल,
मिर्खा मतलब आकाश और खेखर मतलब जमीन, मिच्छा पुड्डा ऊंचा नीचा है ना, फिर राना मलराना है नहीं है, फिर लूर लक्षण, ठीक है। तो ये लूर लक्षण तो आप लोग हिंदी में भी इसी तरह से यूज होता है, ये लोग आप लोग जान रहे होंगे है ना, जो लक्षण देख रहे हैं बोलते हैं ना वही वाला। फिर लोला चान हो, लोला चुनहो, लोला चुनहा मतलब बहुत प्यार करना, लोला चुनहा उस टाइम बोलते हैं, लोला चुनहा नाल दे। फिर लोढ़ी फड़ताचा, ये सिलोट और लोढ़ी है, सिलोट और लोढ़ा है ना। उसके बाद सन्नी वोहा छोटा बड़ा। फिर ससराइर नहियर, ससराइर तो जान ही रहे हैं आप लोग, ससुराल, नहियर मतलब माइके। उसके बाद सुखे दुखे, सुख मतलब सुख, दुखे मतलब दुखी। हिसंगा पुटंगा जलन जेलसी है ना। फिर होना उंदरना पहुंचाना और ला देना, ठीक है, हैना कोलना बांधना और खोल देना। तो जितने भी एक साथ यूज होने वाले शब्द थे संगीबक वो हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा मेरे बताने से पहले। अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों की तैयारी पक्की है, तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो अभी एक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और कोई वीडियो नहीं छूटेगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।